हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ त्यागी और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल फिट फॉर हिट में। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं पैसिव इनकम के बारे में। अगर हम अपनी रोज़मर्रा की जीवन शैली को देखें तो हम पाएंगे कि हमारे खर्च करने के साधन तो बहुत अधिक हैं दोस्तों, लेकिन कमाई के साधन बहुत कम हैं। हम जब सुबह अपने बिस्तर से उठते हैं और शाम को जब अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं तो जिन जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं उनमें से 99% वस्तुएं पैसे से आती हैं, यानी कि खाने पीने की वस्तुओं से लेकर हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली लगभग सभी वस्तुओं को पाने के लिए हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं। हर कदम पर हम पैसे खर्च कर रहे होते हैं। जहाँ एक तरफ पैसे खर्च करने के रिसोर्सेज बहुत अधिक हैं, वहीं दूसरी तरफ कमाई के रिसोर्सेज बहुत कम हैं, मुश्किल से एक या दो होते हैं, और अधिकतर लोग इसी अंतर की वजह से ज़िंदगी में हमेशा जूझते रहते हैं। इनकम को अगर हम इसके टाइप के आधार पर बांटें तो यह दो तरह की होती है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जिसमें हम जितना टाइम काम करते हैं उतने ही टाइम के हमें पैसे मिलते हैं। अगर हम जॉब करते हैं तो जब जब हम जॉब पर जाते हैं तब तब हमें पैसे मिलते हैं। अगर एक दिन भी हम जॉब पर नहीं जाते हैं तो हमें उसके पैसे नहीं मिलते हैं। यानी कि जितने टाइम हम एक्टिव रहते हैं उतने ही टाइम के हमें पैसे मिलते हैं। फिर चाहे आप कोई भी प्रोफेशनलिस्ट हों, जैसे लॉयर, CA, डॉक्टर, इंजीनियर या किसी भी तरह की जॉब, या फिर कोई दुकानदार, आप सभी एक्टिव इनकम पाते हैं। दुकानदार भी जिस दिन अपनी दुकान नहीं खोलता है उस दिन उसकी कोई कमाई नहीं होती। दूसरी इनकम होती है दोस्तों पैसिव इनकम। ये वो इनकम है जिसमें आप काम ना भी करें तो भी आपके पास पैसे आते रहते हैं, क्योंकि इसमें आपके लिए या तो पैसा काम कर रहा होता है या फिर दूसरे लोग काम कर रहे होते हैं, यानी कि इसमें आपके एसेट्स काम कर रहे होते हैं। जैसे कि कोई भी बिजनेस जिसमें लोग आपके लिए काम करते हैं, किसी भी तरह की रॉयल्टी, जैसे अगर आपने कोई बुक लिखी है तो उसके बिकने पर होने वाली कमाई, या फिर आपने कोई गाना गाया है तो उसके बिकने पर होने वाली कमाई, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी जिसको आपने रेंट पे दिया हुआ है तो इसमें पैसा आपके लिए काम कर रहा होता है, और भी दूसरे तरीके हैं जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, बॉन्ड्स, स्टॉक्स, इक्विटी, ये सभी तरीके पैसिव इनकम देते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया के द्वारा भी आप पैसे कमा सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, फेसबुक पेज बना सकते हैं, अपनी कोई वेबसाइट बना सकते हैं, उस पर ब्लॉग लिख सकते हैं, कोई भी मोबाइल ऐप बना सकते हैं, और भी दूसरे तरीके हैं जिसमें आपको हमेशा एक्टिव नहीं रहना पड़ता और फिर भी आपके पास पैसे आते रहते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट में बहुत अच्छे से इस अंतर को समझाया है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट बाय रॉबर्ट कियोसाकी आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें। अगर आप एक्टिव इनकम के भरोसे अपनी ज़िंदगी को काट रहे हैं तो आप बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर आपकी एक्टिव इनकम का रिसोर्स जिस दिन भी बंद हो गया तो आप और आपका परिवार मुश्किल में पड़ जाएंगे। आपके खर्च करने के रिसोर्सेज बंद नहीं होंगे और आपकी इनकम बंद हो जाएगी। यहाँ पे मैंने जितने भी पैसिव इनकम के साधन आपको बताए हैं उनमें से अगर कोई भी साधन आपके पास नहीं है तो ये एक चिंता की बात है। आपको आज से ही अपने एसेट्स बनाना शुरू कर देना चाहिए और अपने जीवन में, अपने व्यस्त जीवन में थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर अपनी पैसिव इनकम बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, जिससे आपको आने वाले 3-4 साल बाद अपनी एक्टिव इनकम के भरोसे ना रहना पड़े। अगर आप दुनिया के सभी संपन्न अमीर लोगों की कमाई पर एक नज़र डालें तो आप पाएंगे कि वो सभी लोग अपनी एक्टिव इनकम पर कभी भी निर्भर नहीं रहते, बल्कि उनकी कमाई का अधिकांश हिस्सा पैसिव इनकम ही होता है। उन्होंने अपना अधिक समय अपने एसेट्स बनाने में लगाया और एक समय के बाद वो अपनी इनकम को लेकर कभी चिंतित नहीं रहते। तो अगर आपको भी अपना जीवन खुशहाली से भरपूर जीना है तो आज से ही अपने पैसिव इनकम के रिसोर्सेज पर आपको काम शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको मेरी कैसी लगी अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आपके विचार मेरे लिए बहुत ऊर्जा का काम करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।